सच कहूं मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी ना अपने लिए पासा ले लेती हूँ, वो बहु बेगम वाला लुक लूंगी गणेश चतुर्थी के पहले दिन। कितना एक्साइटिंग लगेगा ना। आपने देखा ना, नूर और आजान की अब शादी होने वाली है, यू नो निकाह, और कितनी अमेजिंग लग रही है नूर। ये बात और है कि उतना ही अमेजिंग सा ट्विस्ट आने वाला है। सही में ये सीरियल की शादी भी ना, बस पूछे ही मत। आयान के गालों पर ये थप्पड़ सुरैया बेगम ने उस गुनाह के लिए मारा है जो कभी अतीत में उसके साथ हुआ था। और निकाह के लिए मंडप सजते ही डिवोर्स पेपर फाड़कर अपने सर पर बंदूक रखकर अजान ने ये फैसला कर लिया है कि वो शायरा को डिवोर्स नहीं देगा और नूर से दूसरा निकाह करेगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरा जो कुछ भी मेरी दोनों बीवियों में पालन करेगा। इन दोनों के तरफ मेरा जो भी फर्ज है मैं बखूबी रखूंगा। लेकिन मेरा दिल और मोहब्बत वो सिर्फ मेरी पहली बीवी शायरा का हमें इतराज़ है। हम आपके अजान की जिद के सामने शायरा हो या उसकी माँ, सब ने घुटने टेक दिए और आखिरकार उसके जिद को कबूला गया। ऐसा हो गया है क्योंकि मेरी भी जिद है कि अगर मुझे नूर से निकाह करना पड़ रहा है तो मैं शायरा को तलाक नहीं दूंगा क्योंकि प्यार मैं उससे करता हूँ। तो मैं अपनी पहली, अगर मैं उसको बोलता हूँ अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो मैं अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ूंगा। ऑब्वियसली आई थिंक ये किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, दो लड़कियों को साथ में संभालना, दो रिश्तों को साथ में संभालना। नूर के साथ दूसरा निकाह करने के लिए अजान राजी तो हो गया, लेकिन ये बात नूर भी जानती है कि उसे अजान का प्यार कभी नहीं मिलेगा क्योंकि अजान के प्यार पे अगर किसी का हक है तो वो शायरा है। हाँ, मैंने अजान से इसलिए निकाह किया है क्योंकि आई थिंक वो ये सोच रही है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई और नहीं बचा है और नूर के मेंटालिटी के हिसाब से एक अजान वही पुराना बचपन का दोस्त है जो उसकी ज़िंदगी में एक आखिरी इंसान बचा है जो उसके सबसे करीब है, तो उसे लूज़ नहीं करना चाहती, तो शी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू जस्ट बी विथ अजान। मुझे वैसे भी कभी नहीं मिलेगा बट वो मेरी अपनी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, मोहब्बत उसकी मुझे वैसे भी नहीं मिलेगी एंड मैं भी एक ज़िद में हूँ तो आगे देखिए क्या होता है। इस निकाह के बाद नूर अजान की पत्नी तो कहलाएगी पर अजान का प्यार पाने की कोशिश के साथ साथ बहु बेगम बनने की जंग भी शुरू हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।